नहीं, बिल्कुल कट्टर भाजपा, ये खून में भाजपा है, डीएनए में भाजपा है। आज तक भाजपा छोड़ के किसी को वोट कर, लेकिन इनके आने के बाद सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार 100 गुना अधिक बढ़ गया है। तो 7 साल तो बीत गया साहब, बहुत भरोसा था इनके ऊपर जो कुछ रोकेंगे, लेकिन इनके आने के बाद सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार 100 गुना अधिक बढ़ गया। 8 साल में मोदी जी का 2 बढ़िया काम कौन सा? बढ़िया काम राम मंदिर बन गया इनके कार्यकाल के दौरान, ये अच्छी बात है, हम इनका स्वागत करते हैं। और एक दूसरा, 370 जो धारा कश्मीर में लगी, जबरदस्त चीज बोल रहे, 370 है क्या? 370 एक विशेष कानून था श्रीनगर के लिए, जो कांग्रेस शासनकाल में जवाहरलाल नेहरू के समय में। घर माने प्रॉपर घर कहाँ? देवघर। तो ये कौन प्रमंडल में है? ये मतलब किस प्रमंडल में? संथाल परगना। यहाँ भी कोई कानून है क्या सर 370 का? नहीं, SPT एक्ट जानते हैं कुछ है वैसा? क्या होता है SPT? हम उसको अच्छी तरह नहीं जानते, हम नहीं बता सकते उसके बारे में। नहीं, तो फिर 370 के बारे कैसे बोलते हैं? 370 भाई सुने थे अब इनके कार्यकाल के दौरान 370। अब लग रहा है कि आप मोदी भक्त? सवाल ही नहीं है, 370 को जान रहे थे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। हमको देश बचाने से मतलब है, अपनी मिट्टी को बचाने से। 370 के बारे में जिसे आप बताए, SPT एक्ट को नहीं जानते, 371 भी नहीं जानते जो नागालैंड में? नहीं जानते हैं। अब हर एक एक आदमी ये 370 से नाम क्या बताया तुमने? मृत्युंजय पंडित। मृत्युंजय बाबा, ये बताइए 370 से आपको क्या फायदा हुआ? 370 से हमको यही फायदा हुआ कि जो हाँ पूरे देशवासियों को फायदा हुआ। हमको क्या फायदा हुआ वो हम नहीं जान सकते, लेकिन पूरा देश को फायदा हुआ ये जानते। अब कहिएगा देशवासियों को कैसे फायदा हुआ? तो देशवासी तो कश्मीर यात्रा पे निकलता है भाई, टूर करने के लिए निकलता है, क्योंकि भारत का स्वर्ग कहा जाता है। हम खुद 2 बार कश्मीर जा चुके हैं, 2 बार कश्मीर जा चुके हैं हम। डल झील में स्नान किए हुए हैं और गुलमर्ग में जाकर के स्नान किए हुए। कब गए थे? हम गए थे एक बार 20 वर्ष पहले, एक बार 14 साल। तभी तो 370 नहीं हटा था? नहीं हटा था। डरने लगा था? बिल्कुल नहीं, बैचलर थे, चले गए थे उस दोस्तों के साथ। क्या दिखाना चाह रहे हैं? जिस प्रकार आज के समय में प्रकृति और पर्यावरण की दुर्दशा बनी हुई है, यह सर्वविदित है, हर कोई जान रहा है इसे। हमारे प्रधानमंत्री भी जान रहे हैं और देश दुनिया के हर एक छोटे से बड़े आदमी इस बात को जान रहे हैं कि प्रकृति पर्यावरण की दुर्दशा बनी हुई है, इसको बचाना बहुत जरूरी हो गया है। ये कौन लड़का कौन है? ये मेरा पुत्र है। जी, क्या लिखे हैं इसमें? इसमें प्रधानमंत्री को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि श्रीमान प्रधानमंत्री जी, विकास तो बहुत हो गया, हवाई अड्डा बन गया, मेट्रो सिटी बन रहा है, बहुत सारा विकास का कार्य चल रहा है। संसाधनों का दोहन कैसे रुकेगा? ये संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है लगातार। कहाँ पर? हर एक जगह, पूरी दुनिया में जो प्राकृतिक संसाधन, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे जल हो, वायु हो, जो प्राकृतिक संसाधन का दोहन हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में दोहन हो रहा है, वह रुकना जरूरी है। क्योंकि हर एक सरकार हम लोगों से, पब्लिक से यह बात कहती है कि आप जल बचाइए, ईंधन बचाइए। अडानी प्लांट लगा है गोड्डा, मालूम है? हाँ मालूम है। किस लिए लगा है? वो तो थर्मल पावर प्लांट है। वो कुछ करते हैं संसाधन के साथ में? संसाधन का दोहन होता है और क्या होता है, बिजली बनता है उससे, वो करते हैं ना। हाँ, तो मोदी जी को क्या कह रहे हैं? मोदी जी को कहें, हम यही कहना चाहते हैं कि संसाधनों के दोहन को रोकिए, चाहे जिस प्रकार रुके। क्योंकि यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पब्लिक को जल बचाना होगा, ईंधन बचाना होगा, खनिज पदार्थ बचाना होगा, कोयला बचाना होगा, बिजली बचाना होगा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? यही तो कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है उसको रोका जाए। संथाल परगना में ही रहते हैं ना? जी हाँ, मैं देवघर में ही रहता हूँ। तो संथाल परगना का मैं, देवघर जिला भी आता है, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन का दोहन तो इसी जगह होता है, जानकारी है ना? हाँ हाँ, निश्चित रूप से। अभी आप देखिए, हमारी जितनी भी मेरे शहर के आसपास नदियाँ हैं, बालू खत्म हो गया, क्या है? प्राकृतिक संसाधन का दोहन है। कौन करता है इसको? कौन बचाएगा? कौन करता है? विकास के कार्य में जा रहा है साहब, जो विकास का इमारत खड़ा किया जा रहा है, जो सड़कों के ऊपर सड़क बनाया जा रहा है, जो बेफालतू में पेबल्स बिछाया जा रहा है, उसमें जो पहाड़ों का दोहन हो रहा है, पत्थरों का दोहन हो रहा है, बालू का दोहन हो रहा है, ये सब विकास के कार्य में दोहन हो रहा है। और गैर जरूरी विकास कार्य में दोहन किया जा रहा है, जरूरी विकास कार्य में नहीं। एक सड़क बनी हुई होती है, उसके ऊपर 2 साल के बाद में फिर से सड़क बना दिया जाता है, ये क्या है? फिर भी सड़क की दुर्दशा बड़ी खराब है, तब ना दुर्घटना होता है। अब दुर्घटना का तो खैर अभी बात करने जाएंगे, इसके विस्तार क्या है सड़क? हाँ, इसलिए लिखे हैं कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में 500 आदमी रोज सड़क दुर्घटना में मरता है। क्यों भाई, क्या कारण है? सड़क खराब है।
सड़क खराब है चाहे जो भी व्यवस्था हो, लेकिन 500 सच्चाई यही है कि 500 आदमी सड़क दुर्घटना में मर रहा है, कौन रोकेगा? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? आखिर कोई तो रोकेगा इसको। भ्रष्टाचार लिखे हुए हैं निश्चित रूप से। हर एक सरकारी कार्यालय में चले जाइए, चाहे छोटा से बड़ा सरकारी कार्यालय हो, एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा साहब बैठा हो ऊपर में, चाहे नेता बैठा हो, चाहे मंत्री बैठा हो, हर जगह पैसों की कमीशन खोरी चलती है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार का नंगा नाच है। लगता है मोदी जी इसको रोकेंगे? मोदी जी अगर रोक पाते तो 7 साल तो बीत गया साहब। बहुत भरोसा था इनके ऊपर कुछ रोकेंगे, लेकिन इनके आने के बाद सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार 100 गुना अधिक बढ़ गया है। अब तो कांग्रेस ही लग रहे हो। जी नहीं, बिल्कुल कट्टर भाजपा, ये खून में भाजपा है, कहां नजर आ रहा है, DNA में भाजपा है। आज तक भाजपा छोड़ के किसी को वोट कर भी नहीं किया, सिर्फ मोदी जी को गरिया रहे हैं। अरे भाई, अपनों से ही तो शिकायत होती है, गरिया कहां रहे हैं? अपनों से ही तो शिकायत होती है। अगर हम शिकायत करने जाएं तो किसके पास जाएं? अभी बोलेंगे 7 साल हो गया कुछ नहीं किया। 7 साल हो गया इनको, एक तो पर्यावरण संबंधित एक भी उल्लेखनीय कार्य ये गिना दीजिए, एक पॉलिथीन नहीं रोक पाया इनसे। 3 तलाक खत्म किए। 3 तलाक खत्म किए, अच्छी बात है। राम मंदिर बना दिए, 370 लगा दिए, अच्छी बात है। आप क्या चाहिए? पर्यावरण बचाइए साहब, पर्यावरण बचेगा तभी तो हम बचेंगे। अब क्या चाहिए? पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन बचेगा, वायु शुद्ध रहेगा तभी तो हम लोग बचेंगे। 10 लाख आदमी वायु प्रदूषण से हमारे भारत में मर रहा है एक साल में। आपका क्या कहना था? हवाई अड्डा नहीं बनना था? अरे भाई, हम ये कहाँ कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं प्रदूषण से हम लोगों को बचाइए, प्राकृतिक संसाधनों को बचाइए। आप खुद कहते हैं कि आने वाले समय हवाई अड्डा जब बनता तो पेड़ तो कटबे नहीं करता है, तो पेड़ काट दीजिए। तो फिर पर्यावरण बचाने की बात क्यों करते हैं, वकालत क्यों करते हैं? अगर पेड़ काटना सही है, अगर हवाई अड्डा बनेगा पेड़ कटेगा, 4 लेन बनेगा पेड़ कटेगा, 6 लेन बनेगा, ओवर ब्रिज बनेगा, मेट्रो बनेगा पेड़ कटेगा, तो फिर पेड़ को बचाने की बात क्यों करते हैं? कटने दीजिए, कहिए कि सब ऑल इज वेल है। आप किसके समर्थक हैं, पेड़ काटने में या लगाने में? हाँ, आज बनाने, हम धरती माता के सच्चे सपूत हैं। और बीजेपी के? बीजेपी के तो हैं ही, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी हमारी एकमात्र पार्टी है। अब तो मोदी जी सही है, फिर शिकायत किसी से? अरे भैया, तो शिकायत किसके पास करें? सरकार में जो बैठी हुई है, जो हमारा ऊपर में बैठा हुआ प्रशासन का लोग है, बड़ा बड़ा साहब कमिश्नर सब बैठा, उन्हीं के पास में शिकायत करेंगे? मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी हैं अगर मुमकिन है, यही बात है, तो 7 साल में एक पॉलीथीन, जो पूरी दुनिया जानती है कि पॉलीथीन बंद होना चाहिए, पॉलीथीन बंद होना चाहिए, 7 साल में मोदी जी ने पॉलीथीन क्यों नहीं बंद किया भाई साहब? हाँ, तो पॉलीथीन बंद नहीं हुआ, आप आ जाइए इधर, उसके बाद पॉलीथीन बंद नहीं हुआ। नहीं, पॉलीथीन बंद नहीं हुआ। तो लगता है कि अब मोदी जी यहाँ से जो आप अभी दिखा रहे हैं तो सुनेंगे? मेरी बात, मेरी यह बात, मेरा यह संदेश मोदी जी तक पहुँच गया। सोचिए, पहुँच गया अब तो निश्चित रूप से मेरी आशा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं तो कुछ करेंगे। कितने दिन तक आशाएं रखेंगे? आशा तो देखिए, जब तक हो नहीं जाता तब तक हम निराश हैं, जब हो जाएगा तभी आशा बनेगी। चाहे हो या ना हो, लेकिन मोदी जी ऑल इज वेल। नहीं, मोदी जी ऑल इज वेल नहीं, पॉलीथीन को बंद कर दें, मोदी जी ऑल इज वेल। और बालू, पर्यावरण को बचाए, पॉलीथीन बचेगा, पर्यावरण बचेगा, नदी नाला सहित जो भी महासागर आज प्रदूषित हो गया है, जिसका रोना पूरा दुनिया रो रहा है, कभी जी शिखर सम्मेलन तो कभी क्वाड सम्मेलन तो यहाँ वहाँ मोदी जी भ्रमण करने के लिए जाते हैं, जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात को रखते हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो गया, ये सब हो गया, वृक्ष कट रहा है, जमीन बंजर हो गया, ये सारा कुछ बात तो होता है, लेकिन जमीन पर धरातल पर कोई काम नहीं उतरता। अच्छा, अभी झारखंड है पुड़िया उड़िया भी बंद है, गुटखा वगैरह, ये तो देखिए इन लोगों का ढकोसला है। बंद है कि नहीं? ढकोसला है विशुद्ध रूप से, कहिएगा कैसे तो उसका प्रमाण देंगे। ये तो आप मेरी बात जो मेरे पेट में है वो बात आप पूछ रहे हैं। देखिए, हाँ, हम पुड़िया खाते हैं, स्वयं कह दीजिएगा इन लोगों से, हम पुड़िया स्वयं खाते हैं। अब कहिएगा कैसे कि देखिए झारखंड में बैन है, ठीक है, अब इन लोगों ने, साहब लोगों ने झारखंड में बैन लगा दिया, आप किसी भी दुकान में चले जाइए वहाँ आपको पुड़िया मिलेगा। ये कहने वाले साहब यही हैं कि पॉलीथीन झारखंड में बैन है, बिहार में बैन है, ये है वो है, लेकिन हर एक दुकान में, हर एक ठेले पर आपको पॉलीथीन मिलेगा। उसी क्या काम करते हैं आप? हम पंडित जी हैं, पंडित पूजा करते हैं, पूजा कराते हैं। क्या नाम हुआ? मृत्युंजय पंडित। इरफान अंसारी ने भेज दिया आपको? इरफान अंसारी हो, हफीजुल अंसारी हो, चाहे जामा मस्जिद का नहीं, इरफान प्रमुख हो, विधायक जी का बात कर रहे हैं। अरे विधायक जी तो वो जामताड़ा के हो, देवघर से क्या लेने देना।
इरफान अंसारी आते हैं नबी जी पूजा करने के लिए, आते होंगे, हमको क्या लेना देना है उनसे, यहाँ तो फारूक का गुलाम। कभी 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 लगता है आप कांग्रेसिया वाला बात बोल रहे हैं। तो नहीं जी, नहीं जी, ऐसा नहीं है, हम एक देशभक्त होने के नाते बोल रहे हैं साहब। मोदी भक्त की देशभक्त? देशभक्त पहले क्या है? देशभक्त मोदी जी का, हम मोदी जी का भक्ति क्या करके क्या करेंगे, क्या मिलेगा हमको? हम देश की बात करेंगे, अपनी मिट्टी की बात करेंगे, मिट्टी को बचाइए साहब, मिट्टी को, ताकि हम भविष्य को सुरक्षित कर सके। ये सब मोदी भक्त और राहुल भक्त से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, और जरूरत पड़ा तो हम आने वाले समय में किसी को वोट नहीं देंगे, नोटा में बटन दबाएंगे, हम किसी को वोट नहीं करने वाले हैं। अच्छा, ये जो 11 चीज लिखे हुए हैं, इसके अलावा ये बताइए 8 साल में मोदी जी का 2 बढ़िया काम कौन सा? बढ़िया काम राम मंदिर बन गया इनके कार्यकाल के दौरान, ठीक है, ये अच्छी बात है, हम इनका स्वागत करते हैं। और एक दूसरा 370 जो धारा कश्मीर में लगी, जबरदस्त चीज बोल रहे, 370 है क्या? 370 एक विशेष कानून था श्रीनगर के लिए, जिसको कांग्रेस शासनकाल में जवाहरलाल नेहरू के समय में। घर माने प्रॉपर घर कहाँ? देवघर। तो ये कौन प्रमंडल में है ये, मतलब किस प्रमंडल में? संथाल परगना। यहाँ भी कोई कानून है क्या 370 का? नहीं, SPT एक्ट जानते हैं कुछ है वैसा? क्या होता है SPT? हम उसको अच्छी तरह नहीं जानते हैं, हम नहीं बता सकते उसके बारे में। नहीं, तो फिर 370 के बारे में कैसे बोलते हैं? 370 भाई सुने थे अब इनके कार्यकाल के दौरान 370। अब लग रहा है कि आप मोदी भक्त? सवाल ही नहीं है, 370 को जान रहे थे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, हमको देश बचाने से मतलब है, अपनी मिट्टी को बचाने से। 370 के बारे में जिसे आप बताए, SPT एक्ट को नहीं जानते, 371 भी नहीं जानते जो नागालैंड में? नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। अब हर एक आदमी ये 370 से, अच्छा नाम क्या बताया तुमने? मृत्युंजय पंडित। मृत्युंजय बाबा, ये बताइए 370 से आपको क्या फायदा हुआ? 370 से हमको यही फायदा हुआ कि जो, हाँ हाँ, पूरे देशवासियों को फायदा हुआ, हमको क्या फायदा हुआ वो हम नहीं जान सकते, लेकिन पूरा देश को फायदा हुआ ये जानते। अब कहिएगा देशवासियों को कैसे फायदा हुआ? तो देशवासी तो कश्मीर यात्रा पे निकलता है भाई, टूर करने के लिए निकलता है, क्योंकि भारत का स्वर्ग कहा जाता है। हम खुद 2 कश्मीर जा चुके हैं, 2 कश्मीर जा चुके हैं हम, डल झील में स्नान किए हुए हैं और गुलमर्ग में जा करके स्नान किए हुए। कब गए थे? हम गए थे 1 20 पहले, 14 साल पहले। तभी तो 370 नहीं हटा था? नहीं हटा था। डरने लगा था? बिल्कुल नहीं, बैचलर थे, चले गए थे उस दोस्तों के साथ, और 1 पत्नी के साथ गए थे। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज है इनका, जो भी बातें हुई वो अलग बात है, लेकिन इनका जो संदेश है मोदी जी को कि प्रकृति पर्यावरण कैसे बचेगा, ये बहुत ही जरूरी है। संसाधनों का दोहन जो झारखंड में हो रहा है अभी वर्तमान में, जो प्रकरण चल रही है, जलवायु परिवर्तन कैसे सही होगा, बढ़ता तापमान कैसे रुकेगा, जलवायु प्रदूषण कैसे रुकेगा, जंगल जमीन की जो बात हमेशा होती है वो कैसे बचेगी, सड़क दुर्घटना कैसे रुकेगी, जो सड़क दुर्घटना आए दिन हमेशा होती रहती है, भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ा रोड़ा है विकास के लिए, पूरे देश के विकास के लिए, ये भ्रष्टाचार कैसे रुकेगी, सभ्यता संस्कृति हो, जीवन हो, और धरती सबसे बड़ा, धरती नहीं रहेगी तो जीवन कैसे रहेगा। आप लोग बने रहिए जवाहर न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।